मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में निकाय चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों का ट्रेनी एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नामांकन बूथ पर आने वाले प्रत्याशियों के साथ केवल एक प्रस्तावक एक समर्थक ही आएगा। जो नामांकन पेपर रहेगा उसको गहनता से चेक किया जाएगा और वो किस वार्ड से उम्मीदवार ये भी चेक किया जाए। इस अवसर पर SDM सदर नेहा बंधु, SDM खजनी सिद्धार्थ पाठक, SDM कैंपियरगंज सुरेश राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वोटर लिस्ट की जो कॉपी है जिसको निर्वाचन लड़ना है वो आपसे मांग करेगा तो आपको उसको प्रमाणित प्रति उसको जो है उपलब्ध करा दीजिए। वो प्रस्तावक वाला भी जो भी उसका प्रस्तावक है वो बताएगा और या अब उस कैंडिडेट के लिए तो वोटर लिस्ट के प्रति प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से इसके साथ लगनी है। अभी आगे हम देखेंगे और अब इसमें देखें जहाँ प्रमाण थे तो ऊपर विवरण हो गया उम्मीदवार का और उसके बाद विवरण आना है प्रस्ताव का। अभी एक चीज छोड़ गया था नवा पॉइंट, उसमें नगर निगम के निर्वाचन नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या और वो किस बुर्ज का उम्मीदवार है वोटर है उस बुर्ज की संख्या हो जाएगी। डिक्लेरेशन सादा ही रहेगा और प्रारूप 7 क और 7 ख उपराधिकार पत्र है। 7 क में क्या होता है कि वो जो राजनीतिक दल है किसके नाम का अनुमोदन दिए हैं उस दल से लड़ने के लिए उसका प्राधिकार पत्र 7 क है। 7 ख में क्या है कि किसके उस पार्टी के किस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा उसके नाम और हस्ताक्षर का नमूना इसमें रहता है तो ये दोनों अटैच करेगा वो। और उसके बाद अध्येयता प्रमाण पत्र, अध्येयता किस बात की है कि उस नगर निकाय से संबंधित 7 वर्ष से अधिक अवधि का कोई भी बकाया शेष नहीं है इस बात का नो ड्यूज। और यदि वो आरक्षित वर्ग से आता है तो उसके लिए 6,000 रुपया है और फिर पार्षद के लिए है तो 2,500 रुपया है अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग से यदि वो कैंडिडेट आता है तो उसके लिए इसी का आधार 1,250 रुपया 1,250। तो ये जमानत जो जमा किया होगा तो उसके चालान की कॉपी लगाएगा या उसकी जो रसीद लगाएगा वो रसीद लगाएगा। तो इतनी डॉक्यूमेंट्स